नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर वन शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। अमेरिका में किसकी सरकार, ट्रंप की सरकार या जो बाइडेन बनाएंगे सरकार अमेरिका में? देखिए, एक तरीके से आप ये समझिए कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन 2020 है, ये लग ऐसा रहा है कि ये सुपर ओवर की तरफ बढ़ रहा है ये मैच। ये जो 2020 चल रहा है अमेरिका में, सुपर ओवर की तरफ जाने की, क्योंकि अभी के एक बार मैं फिगर्स आपको बता दूं। इसको आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए, जिस तरह हमारे यहां पर लोकसभा में 543 सीटें होती है ना, 543 सीट्स होती है, उसमें बहुमत का आंकड़ा होता है। अमेरिका में जो टोटल है वो 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, 538 इलेक्टोरल वोट्स। उसमें से अभी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो जो बाइडन को 238 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं, 238। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप 213 अभी के हिसाब से, समझिए इसको, बहुमत का आंकड़ा है 270, 270 मेजॉरिटी मार्क है अभी के हिसाब से जो बाइडन को 238। और अगर हम ट्रंप की बात करें तो 213। वैसे अभी लग रहा होगा कि ये तो बाइडन बहुत आगे चल रहे हैं और लगभग जीत तय मानी है, मगर ऐसा नहीं होता अमेरिका के चुनाव में। अभी कई स्विंग स्टेट्स कहा जाता है इसमें, कई स्विंग स्टेट्स हैं अभी। और देखिए, अब 5 बड़ी बातें एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है अमेरिका में होने क्या जा रहा है। रात होने की वजह से अब मतगणना रुक गई है। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे दोबारा शुरू होगी मतों की गिनती, वोटों की गिनती जो है 3 घंटे बाद भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे एक बार फिर से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। अब तक की काउंटिंग में ट्रंप से आगे हैं बाइडन। हालांकि ट्रंप तो कह रहे हैं मैं तो कोर्ट जाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो तो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश, वो ट्रंप जाएंगे। जवाब दिया जो बाइडन ने, वो कह रहे हैं रिडिकुलस, आउटरेजियस, बकवास, वो कह रहे हैं रिडिकुलस, कह रहे हैं जो बाइडन धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रंप। जवाब दिया जो बाइडन ने, काउंटिंग रुकवाने की कोशिश। मतलब कम से कम ये तो भारत से सीखना चाहिए अमेरिका को, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र एक तरीके से, भारत से अमेरिका को ये तो कम से कम सीखना चाहिए कि यहाँ कोई ही चुनाव के नतीजे आते तो कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाता, मतलब बस सरमाथे पर होते हैं, चुनाव आयोग की भूमिका है। ये तो कम से कम अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर नतीजे वहाँ पर अमेरिका में आ रहे हैं तो वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करें डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक की टैली है आपके सामने, 238 जो बाइडन और 213 डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि स्थिति पलटेगी, कितनी पलटेगी, नहीं पलटेगी, और भारत के लिहाज से कौन किसका आना ज्यादा जरूरी, और जिस तरह के कट्टरता के खिलाफ लड़ाई चल रही है किसका आना ज्यादा जरूरी। मैं डिबेट शुरू करूं, एक बहुत बड़ा पैनल है, बहुत ध्यान से डिबेट को देखिएगा, काफी चीजें आप समझेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहां पर डिबेट शुरू करने से बता दूं पहले, कि यहां पर जितने भी मेहमान मेरे साथ हैं उन सबकी राय जो है वो उनकी निजी राय होगी। नीचे आप पढ़ रहे हैं डिस्क्लेमर, इस बहस में शामिल मेहमानों के विचार और टिप्पणी उनकी निजी राय है। जी न्यूज इस कार्यक्रम में शामिल जितने भी मेहमान हैं उनके बयानों या तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आज समझने के लिए उनसे हम बात जरूर करेंगे, इससे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले देखिए, आप नजर आ रहे हैं स्मिता प्रकाश, आपको नजर आ रही है एएनआई की एडिटर है। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आचल मल्होत्रा है, सीनियर डिप्लोमेट है हमारे साथ। आलोक मेहता आपको नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गौरव भाटिया हैं और तारिक फतेह सीनियर कॉलमनिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले स्मिता प्रकाश, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आप रेगुलर, मैं सुबह से देख रहा हूं, रेगुलर फॉलो कर रही हैं। जो बाइडन अभी बढ़त बनाए हुए, इसका मतलब क्या है? मैं अब तक के हिसाब से क्या समझ सकता हूं, आप क्या समझा सकती हैं? 238 जो बाइडन और 213 ट्रंप। जी 214 शायद, लेकिन आप सही कह रहे थे, आपने जो इनिशियली आपने जो एक्सप्लेन किया आपने बहुत अच्छी तरीके से किया, क्योंकि अमेरिका में जो मतदान की प्रक्रिया जितनी आसानी से हुई है उतनी ही उलझी हुई स्थिति में अब है। दिक्कत यह है कि कुछ राज्यों में जो लाखों की तादाद में पोस्टल मेल के जरिए वोट्स किए गए थे उन्हें नहीं गिना गया था, रात के 12 बजे काउंटिंग बंद कर दिया गया और अब बुधवार को काउंटिंग होगी, यानी उनके बुधवार को काउंटिंग होगी, हमारे बुधवार को भी। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां काउंटिंग पूरी नहीं हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, ये किसी तरह भी जा सकते हैं। असल में अमेरिका में जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन रिजल्ट्स निकलते हैं। जब ये देरी होती है, क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट्स इतने गिरे हैं, तो ये फिर अगर इन्हें काउंट नहीं किया जाता तो डाउट्स उठने लग जाते हैं कि कोई धांधली तो नहीं हुई। बाइडन ने अपने समर्थन
समर्थनों को समर्थकों को कहा है कि धांधली नहीं है, आप इंतजार कीजिए, जब तक सारे वोट्स काउंट नहीं करते तब तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन ट्रंप साहब हैं उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, स्टेटमेंट भी दे दी कि धांधली हुई है, फ्रॉड है, बकवास है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के ऐसे लाखों हजारों लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, जो एब्सेंटी बैलेट को लेकर लीगल फाइट करने के लिए तैयार है, पहले से ही तैयार थे। उन्हें पता था कुछ ऐसे हो सकता है, क्योंकि बहुत से जो पोस्टल बैलेट्स वाले हैं उन्हें माना जाता था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइडन की तरफ उनका झुकाव है, तो शायद वो उन्हें देंगे, इसलिए वो पहले से ही तैयार थे। जैसे आप ट्रंप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, फ्लोरिडा, ओहायो, आयोवा, ये सब जीत चुके हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, यहां पर नतीजा साफ नहीं है अभी तक। तो अगर आप तुलना करें तो अगर भारत में आप मानिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अगर इनके रिजल्ट्स नहीं आते तो क्या हम लोकसभा के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं तो उसी तरह अभी भी अमेरिका में ये कहना मुश्किल है कि कौन जीता। ये स्मिता जी, लेकिन एक चीज फिर पहले ही ये फ्रॉड कह देना, ये सरेंडर जैसा नहीं है कि ये फ्रॉड है मैं तो कोर्ट जाऊंगा, अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए हैं, ये क्या दिखाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को उन्होंने फ्रॉड करार कर दिया है, तो इट कास्ट अ शैडो, है ना। हम लोग सब मुल्क के बाकी देश के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, वो सब देख रहे हैं, और आपने देखा था, आपने अपने चैनल में भी दिखाया कैसे कुछ दुकानों को बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि अब डर ये है कि जो लोग नाराज होंगे इस रिजल्ट को लेकर वो सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए अमेरिका के लोग जो है बहुत चिंतित थे कि एक क्लियर कट मैंडेट अगर आ जाए इस तरफ या उस तरफ, जो भी जीतेगा, लेकिन एक क्लियर कट मैंडेट आ जाए। ये जो खिचड़ी वाला मैंडेट आया ना, इसकी वजह से बहुत कम इतना एक असमंजस है, इतना कह जा सकता है कि स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा। जो अभी आपने इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया, सत्ता का हस्तांतरण, चुनाव हो गए लेकिन स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होने जा रहा है, कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजें। तारिक फतेह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक फतेह, जो बाइडन अभी उनकी लीड, क्या मैसेज? क्योंकि पूरा कैंपेन हमने देखा, तमाम चीजें हमने देखी, दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, जो वियना में हुआ, जो पेरिस में हुआ, इस्लामिक टेरर का खुलकर नाम लिया ट्रंप ने, उनका कैंपेन, राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ अपीजमेंट, तमाम चीजें, लेकिन अभी तो फिर तो तस्वीर दूसरी नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिहाज से देखा जाए तो, अभी के लिहाज से पहले तो ये बात क्लियर है कि जितने भी पोल्स थे अब तक वो गलत साबित हुए। जितनी भी पोलिंग हो रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब फ्लोरिडा के बारे में नेक टू नेक हो, वहां तो 3 मिलियन वोट से जीत गए ट्रंप। ये जो झगड़ा था ये अमेरिका की उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है जो एक बिल्कुल वॉशिंगटन बेस्ड है, जिसके अंदर बाहर का कोई आदमी का कोई दखल नहीं होता, वहीं डील्स होती हैं, वहीं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर से उधर हो जाते हैं, किसी को नहीं पता होता। ये पिछले जो COVID-19 है इसके अंदर जो टॉप आपकी अमेरिकन क्लास है उसने को मेरा ख्याल है 50 या 60 बिलियन डॉलर्स वर्थ अपनी क्रिएट की है जी। ये क्लास जो है ये ऑर्डिनरी अमेरिकन को कभी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं देगी। और देखिए कि एक इतना एडवांस सोसाइटी, वहाँ पोस्टल बैलेट, अरे ऑनेस्ट गॉड, ये तो अफगानिस्तान से भी गए गुजरे। एक सीधा इलेक्शन होता है, यहाँ वोट देना है, आप जाके वोट कर दें। आप इंडिया से सीख लें, जब एक यानी स्टेज्ड इलेक्शन होता है, वन बाय वन जाते हैं और पूरा कंट्री कर, कभी ये हुआ ही नहीं कि साहब ये चोरी कर गया, ले गया। ये ट्रंप जो कह रहे हैं बेईमानी का, ये तो ऐन मुमकिन है। मतलब आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोस्टल से ट्रंप को नुकसान हो सकता है, पोस्टल बैलेट से? नहीं 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 नहीं, पोस्टल तो हो, ये कैसी मुल्क है जहां पोस्टल बैलेट चल रहा है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होता तो मुझे समझ में आता कि आप अपने, ये तो हमारे कैनेडा में भी है कई जगह पे, इलेक्ट्रॉनिक वोट्स होता है, आप गए आपने अपना वोट डाल दिया। ये उत्तर जा तो चांद पे सकते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए इतनी मुश्किल कर दी है और वो तमाशा बनाया है, पूरी एक इंडस्ट्री है। तो लोग अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, ट्रंप ठीक कह रहे हैं इसका मतलब?
धांधली। नहीं नहीं ट्रंप ठीक नहीं कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तमाशा बना है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू डिसीजन मेकिंग होती नहीं है। ये लॉबीज का अलग चक्कर है। ये ट्रंप तो पहला आदमी था जिसने पॉलिटिशियंस के हाथ से ये पावर ले लिया और स्ट्रेट बात की आम आदमी की। मुझे बस इतना बताइए तारिक फतेह साहब, थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप समझाएं, अभी के लिहाज से अमेरिका में जो बाइडेन की बढ़त, अभी के लिहाज से मैसेज क्या है? क्योंकि वो मैं मैसेज आपसे जानना चाह रहा हूं। मेरे लिए तो ट्रंप साहब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम कार्ड और अपीजमेंट तमाम चीजें, वो फ्रांस को लेकर भी नहीं बोल रहे हैं जो बाइडेन, तो उसका मैसेज क्या है फिर? मतलब पूरी दुनिया के लिए बाइडेन साहब और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल टू गेट इलेक्टेड, क्योंकि ये अपनी आइडियोलॉजी या सोच पे नहीं लड़ रहे, ये वही वोट बैंक पॉलिटिक्स जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर होती है, ये इधर आ रहे हैं। जगह जगह वोट कर रहा है ना अमेरिका, वोट कर रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस क्या कर रहे हैं? हर जगह जाके वो अलग वोट बैंक को जाके, आपका भी सुना था अमेरिका में जाके कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कहे कि अमेरिका के स्कूलों में इस्लाम पढ़ाना चाहिए, ये फर्स्ट अमेंडमेंट, ये अमेरिकन जो हैं खासतौर पे एनआरआई जो हैं, इनको नहीं पता है कि वो जो हिर्सी, वो जो मिनेसोटा की एमपी है, लिबरल वोट बैंक, वो क्लिक किया जो बाइडन को क्लिक किया, इस्लामिक टेररिज्म कह रहा हूं, उनको भारी पड़ा। अभी खैर कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं। आपने इसने प्रॉमिस तो कर दिया है ना कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे फलाना फलाना मुस्लिम विल बी देयर, वो आयतें पढ़ के कह रहे हैं कि अमेरिका के स्कूल में इस्लाम पढ़ाना चाहिए। क्यों? उनको मिशिगन के अंदर वो डियरबॉर्न और इधर उधर जो मुस्लिम सॉलिड बैंक्स हैं उनका वोट लेना है। एंड दिस इज गोइंग डाउन क्या कहते हैं, स्टीप हिल। स्मिता एक कमेंट इस पर आपका, फिर मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं। स्मिता इस पर एक कमेंट आपका, जो तारिक फतेह ने कहा वियना में जो हो रहा है और फ्रांस में जो कुछ हुआ, उस कंटेक्स्ट में इस मैंडेट को कैसे आप पढ़ती हैं? देखिए जो रिपब्लिकन पार्टी है, तारिक फतेह साहब जो कह रहे हैं थोड़ा सा शायद एक्सट्रीम व्यू है कि यू नो इट्स मोर इस्लामिस्ट डेमोक्रेट पार्टी। हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लेफ्ट ऑफ सेंटर है, वो अपने आप को लिबरल मानती है और जो मुसलमान पॉपुलेशन है उनके साथ एक साथ खड़ी है, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ओपनली इस्लामिक टेरर के अगेंस्ट बात करती है और उनका जो वोट बैंक है वो मुसलमान पॉपुलेशन नहीं है अमेरिका का। तो इट इज ट्रू कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है तो वो इस्लामिक टेरर, जो टर्म है इस्लामिक टेरर, उसको शायद वो ना उठाए जिस तरह से एंजेला मर्कल जो है वो नहीं उठा रही थी, जब तक कि वहां पे यूरोप में पिछले एक हफ्ते से जो टेरर स्ट्राइक्स हो रहे हैं तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब इतनी जोरों से वहां पर इस्लामिक टेरर अटैक्स हो रही हैं तब वो बोल गए। तो दिस इज समथिंग दैट कम्स अप एज टाइम गोज बाय, खुदा ना करे कि अमेरिका में ऐसे स्ट्राइक्स हो, लेकिन जब हो जाते हैं तभी अमेरिका उठ खड़ा होता है। देखिए 9/11 अमेरिका पे ही हुआ ना, ये सब कुछ जो हो गया है कि हमारी हमारी जिंदगी में हुआ ये सब जी। तब तक रिपब्लिकन पार्टी जो है, तारिक फतेह साहब आपको भी पता है कि कैसे रोनाल्ड रेगन तालिबान को व्हाइट हाउस में लेके गए थे, उसके बाद उसी रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन तब तक तो नहीं किया ना। उस वक्त तालिबान थे ही नहीं, दे वर कॉल्ड द मुजाहिदीन, दे वर फंडेड फ्रॉम कोलोराडो, वो अलग जमात थी, वो आपके दियोबंदी तालिबान नहीं थे जो आपके इंडिया के। सो यू गिव अ डिफरेंट नेम। नहीं लेकिन नो, इट्स नॉट अ डिफरेंट नेम, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट। आप अलग-अलग नाम दे दीजिए। अरे अलग नाम कैसे दे रहे हैं? एक रूस से लड़ रहा है अफगानिस्तान का आदमी और दूसरा जो है पेरिस में जाके गले काट रहा है, इसमें डिफरेंस नहीं है क्या? यमन में सिविल वॉर हो रही है, कौन यूएसएस कोल को आप अमेरिकन है, बॉम्बिंग हुई। तारिक फतेह साहब, मैं इसलिए आज दुनिया इसलिए अमेरिकी चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार इसलिए कर रही है क्योंकि कट्टरता के खिलाफ एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अगर छेड़ा जा रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका में अगला कौन आएगा। वो आएगा जो कट्टरता के खिलाफ खुलकर इस्लामिक टेरर शब्द का इस्तेमाल करता है, या दूसरी तरफ जो बाइडन। लेकिन आगे तो जो बाइडन चल रहे हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा? गौरव भाटिया बीजेपी से हैं, उसके बाद मैं आचल मल्होत्रा साहब आपके पास आऊंगा, जितने भी गेस्ट मेरे साथ हैं मैं आऊंगा। लेकिन एक कमेंट गौरव भाटिया, आपसे आपसे सवाल कुछ नहीं, बस हमने तो यही
मोदी ट्रंप की दोस्ती, मोदी ट्रंप जबरदस्त केमिस्ट्री, सब कुछ हमने देखा, लेकिन ट्रंप का तो पक्का नहीं लग रहा सर। देखिए अमन जी, ये चुनाव जो है किस लिए बड़े महत्वपूर्ण है, अमेरिका जो है सबसे पुराना लोकतंत्र है विश्व में, और भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमने देखा किस तरह से, चाहे वो बराक ओबामा हो जो कि डेमोक्रेट थे और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन थे, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत सुधार आया है। और चाहे वो चीन का मसला हो जिसमें खुल के अमेरिका हमारे साथ आया है, और इससे पहले इस्लामिक टेरर जो टेरर के खिलाफ लड़ाई है उसमें भी भारत और अमेरिका साथ खड़ा रहा है। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए, और अमन जी मैं बताऊं, मैं 5 साल खुद अमेरिका में रहा हूं, पढ़ा हूं, काम किया हूं, एक बहुत ही परिपक्व लोकतंत्र है अमेरिका, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उसे कहा जाता है, और वहां 2 पार्टी सिस्टम होता है मेनली। आपने कहा जो बिडेन आगे हैं, चाहे जीते डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, हमें ये पक्का पता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा जो मजबूत नेता है वो अपने रिश्ते अमेरिका के साथ और मजबूत करेगा। लेकिन वहां पे जो भी एक प्रदेश जीतता है जी, उसके जितने इलेक्टोरल वोट होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये कहना कि जो बिडेन आगे है वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं होता, स्टेट वाइज होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो स्टेट अभी जहां पे परिणाम नहीं आए, बस मैं ये जानना चाह रहा था गौरव आपसे, गौरव मेरे ख्याल से आपने अपनी बातों के जरिए बताने की कोशिश की कि अभी मैं ये ना कहूं जो बाइडेन अभी आगे चल रहे हैं, बस मेरा सवाल ये था कि कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, खासकर चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अगर लड़ना है तो भारत के लिए बेहतर कौन, ट्रंप या बाइडेन? यार कोई जानना चाह रहा है इस चीज का जवाब दीजिए, ट्रंप या बाइडेन? मैं आपको बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे हमारे अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप करे हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें अपने नेतृत्व पे विश्वास होना चाहिए। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ये यकीनन कहा जा सकता है जीत किसी की भी हो उसके बावजूद भारत का हित जरूर होगा, और ये विश्वास मैं क्यों कह रहा हूं, एक मिनट बस लूंगा, कमला हैरिस जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे मोदी जी, उस वक्त कमला हैरिस ने भी तारीफ मोदी जी की करी थी। तो इसलिए ये मायने नहीं रखता कि डेमोक्रेट की रिपब्लिकन, हमें भारत के रिश्ते अमेरिका से और मजबूत करने। बेहतर कौन भारत के हित में, कौन, ट्रंप या बाइडेन? अमेरिका अमेरिका का साथ रहे भारत के साथ, भारत और मजबूत हो। बेहतर कौन, किससे और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो अब तक देखा ना, मैं अहमदाबाद भी था, मैं भी गया था वहां पर, हमने गजब की केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री इतनी शानदार हमने कभी देखी नहीं, और इतना खुलकर कोई ऐसे भारत को लेकर बोला अमेरिका आज तक नहीं हुआ, इस्लामिक टेरर शब्द का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें हमने देखी है। तो बेहतर कौन, ट्रंप या बाइडेन? इतना सीधा सा सवाल, जवाब दे दीजिए ना, बेहतर कौन, ट्रंप या बाइडेन? देखिए अमन जी मैं बताऊं, जब आप किसी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, एक जिम्मेदारी आपकी होती है, आप वो जवाब देते हैं तो देश के हित में होता है, ये बात सही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, चाहे वो इस्लामिक टेरर हो या चीन को खदेड़ना हो या अनुच्छेद 370 पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन का प्रस्ताव हो उसको रद्द किया भारत के हित में, इसलिए ये सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं, आपको क्या लगता है कौन बेहतर मजबूती के साथ लड़ेगा कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ, कौन ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ेगा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बाइडेन या ट्रंप? अमन जी हमारा कंधा इतना मजबूत है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, नहीं बोलेंगे, सारी बड़ी ताकतें रशिया, तारिक फतेह साहब क्या हो गया, सर पर हाथ रख रहे हैं आप, क्या हो गया, बोलिए ना तारिक फतेह साहब, क्या हो गया? देखें सीधी बात है, मैं तो उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, और आंचल मल्होत्रा मैं आपके पास आ रहा हूं, बोलिए तारीफ करते जल्दी से। 3-4 मिलियन इंडो कैनेडियन, इंडो अमेरिकन्स गदर मूवमेंट से लेके आज तक सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया, ये सब अमेरिका में फोर्थ जनरेशन है। एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो इंडो अमेरिकन कम्युनिटी की है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं देखते। आपको एक ही बंदे के घर में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की तस्वीरें मिलेंगी, सही कह रहे हैं, और लोग इसको बड़ी समझदारी समझते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो इसको बड़े डाउटफुल अंदाज में देखते हैं। लोगों ने नाम बदले हैं, कोई बॉबी जिंडल बना हुआ है, कोई क्या नाम है, वांट जिन्हें निम्रता नाम था वो निकी हेली हो गई हैं। ये एक इंडियन इंडो अमेरिकन
जीता है फ्रॉम द डेमोक्रेट्स, वो किसकी कॉकस में बैठता है? वो पाकिस्तान की कॉकस में बैठता है इन द यूएस कांग्रेस, रो खन्ना। आप अंदाजा लगाइए कि किसी कम्युनिटी में किसी को पता नहीं। अच्छा, भारत खेत में कौन? फिर आप बता दीजिए, भारत खेत में कौन, ट्रंप या बाइडन? एब्सोल्युटली डोनाल्ड ट्रंप। स्मिता जी, आप बता सकते हैं इस पर? एक कमेंट जल्दी से आपका, फिर मैं आगे जाऊंगा। भारत खेत में कौन, ट्रंप या बाइडन? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं गौरव से सहमत हूँ। नहीं, मैं गौरव से सहमत हूँ, चाहे जो भी जीते। आप अमेरिकन है ना? भारत ने उसके साथ काम करना है। अगर हम सोचें कि आपने जैसे देखा, आपने एक जबरदस्त केमिस्ट्री देखी ट्रंप और मोदी के बीच में, लेकिन आपने देखा कि जब ओबामा भारत आए थे तो वो रहे थे ताज होटल में, जहां पर 2008 के स्ट्राइक्स हुए थे। भारत का प्रधानमंत्री नहीं रहा था वहां पर, उस भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जाके ताज में नहीं रुके, लेकिन ओबामा रुके थे वहां पर। So it depends on president to president, और चाहे जो बाइडेन आए, चाहे ट्रंप आए, अमेरिका का जो भी मैं सुना देता हूँ। स्मिता जी, आपने बिल्कुल क्लियर करा कि ट्रंप या बाइडन जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगी, तो भारतीयता ही, क्योंकि दोनों इंडिया का कार्ड चल रहा है और बिना भारत के आगे किसी की गाड़ी बढ़ेगी नहीं। सुना देते हैं ट्रंप साहब कैसे जीत का दावा कर रहे थे, सुना देते हैं। हालांकि मैच जो है फंसा हुआ है, ये 2020 फंसा हुआ है अभी, 238 और 213 2020 चल रहा है अमेरिका में, सुपर ओवर तक ना चला जाए मैच। अमन जी, आप देखिए, यही असली में आप यदि सवाल करते तो मैं भी आपसे यही कहता कि क्या जो जीत जो घोषणा कर दी उन्होंने कि सेलिब्रेट करिए, और उसके साथ खुद ही कह रहे हैं कि अदालत जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसका मतलब है, देखिए ये सही है कि जैसा अभी स्मिता जी भी कह रही थी, हाँ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, इसलिए ये सही है। आप जो बार बार सवाल कर रहे हैं, मेरा एक दूसरा कहना है, जो स्मिता जी ने भी कहा और भाटिया जी ने भी कहा, देखिए अब वो जमाना चला गया जब हमको दूसरे की मदद की ज्यादा उतनी जरूरत है, जो पहले 71 में हमें जरूरत थी कि रशिया करेगा कि चीन उनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान से, आज अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। आज जो कोई भी राष्ट्रपति बनेगा उसको भारत में, चाहे वो उसको हथियार बेचना है या मार्केट की तरफ भी देखना है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है। ट्रंप साहब ये है कि सही है कि उन्होंने चीन के खिलाफ एक एजेंडे में जरूर साथ दिया, लेकिन आप देखिए ईरान से तेल लेना है तो उन्होंने बंदिश पर हमें और कंट्रोल कर दिया। मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान पे कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा हम पर दबाव। हमारे प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ अच्छे संबंध रखते हुए अमेरिका के साथ संबंध जोड़े, चीन के राष्ट्रपति को भी बुला के अपनी तरफ से एक अच्छा व्यवहार दिखाया। लेकिन यदि चीन गड़बड़ करता है तो केवल हथियारों से नहीं लड़ाया जाता जनता, और मेरा इसलिए मानना है कि वहां कोई भी सरकार आएगी, राष्ट्रपति कोई, दोनों पार्टी रिपब्लिकन बने, क्या आतंकवाद के खिलाफ ओसामा बिन लादेन के समय ट्रंप थे क्या? मेरा ये कहना है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें कांटे का मुकाबला है। हमारे जो इंडो, जिसको कहना चाहिए कि अमेरिकन हैं जी, वो कहने को अभी नाराज है हमारे मित्र तारिक साहब, लेकिन सही बात यह है कि वो भी अपना हित देखते हैं। अमेरिका, ट्रंप साहब सिर्फ अपना हित देखते हैं। बंबई में ट्रंप टावर है, दिल्ली में भी कहीं बनने वाला है, तो वो बिजनेस करते हैं जी। हमें बिजनेस से ज्यादा ये चाहिए जो एक समझदार हो और हमारी ताकत को माने और संयुक्त राष्ट्र में हमारा साथ दे, ताकत पाकिस्तान के खिलाफ चीन के, दोनों की मजबूरी होगी, हमारा साथ देना पड़ेगा। अमेरिका में कैसे मोदी मॉडल की गूंज थी वो एक बार थोड़ा सा ग्राफिक में समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट, और जो बाइडेन ट्रंप के मुकाबले थोड़ा नरम, अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं कुछ वैसा ही टेक डोनाल्ड ट्रंप करा कि नो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन ट्रंप के मुकाबले थोड़ा नरम। विस्तारवाद की बात करें, जिसका भी जिक्र आलोक मेहता कर रहे थे कि चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर वोकल कोई रहे तो वो डोनाल्ड ट्रंप रहे, चीन के खिलाफ आक्रामक नीति, लेकिन जो बाइडन का रुख थोड़ा सा उलट, आप समझिए। इसलिए मैं बार बार सवाल पूछा था कि भारत के लिए पैसे मिलते हैं चीन से और आत्मनिर्भरता की बात करें के बेटे को तो जी सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। लोकल फॉर वोकल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, विदेशी कंपनियों पर कड़ा रुख, ये तमाम चीजें। आचल मल्होत्रा जी, एक कमेंट अब आपका, उसके बाद स्मिता जी आपके पास हो, तारिक फतेह मैं आपके पास आऊंगा। आचल मल्होत्रा, एक कमेंट अब आपका। आचल मल्होत्रा, भारत का हित किसमें?
भारत का हित किसमें, मतलब कि रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स? जी देखिए अमन, जैसा मेरे से पहले भी पैनलिस्ट ने बोला है कि भारत का हित जो है वो भारत के अपने हाथ में है, और अमेरिका में कोई भी सरकार आएगी वो इस बात से उसे वो भारत को इग्नोर नहीं कर पाएगी। अब सवाल सिर्फ ये होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आप एक कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, एक कंटिन्यूटी रहेगी, आप जानते हैं कि कौन से एरियाज हैं जिन पे एम्फेसिस रहेगा, और वो एरियाज ज्यादातर जो है सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, डिफेंस है, काउंटर टेररिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, इस तरह के एरियाज है, थोड़ा एनर्जी सिक्योरिटी भी है उसके अंदर, लेकिन बहुत से जिसे ब्रेड एंड बटर मैटर्स कहते हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे जो है इक्वेशन ठीक नहीं है। चाहे वो हमारे ट्रेड डेफिसिट को लेके हमसे नाराज हो, ट्रेड टैरिफ्स की बात कर लें, जीएसपी से हमें बाहर निकाल दें, या हम पे हमारी फार्मा वो जो हमारी मेडिकल इक्विपमेंट पे टैरिफ्स लगाने की बात है, तो बहुत सारे, या फिर आप काउंसिलर मैटर्स को ले लें, H1B वीजा को ले लें, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वी डोंट सी आई टू आई। बट अगर जो बिडेन आएंगे तो वो उसमें अभी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजे में इतना जरूर कह सकते हैं कि जहां तक ये बड़े बड़े इस तरह के इश्यू है, जितना वोकल डोनाल्ड ट्रंप है आतंकवाद, कट्टरवाद और इन सब चीजों को लेके, चाइना को लेके, चाइना के विस्तारवाद को लेके, शायद जो बिडेन की सरकार नहीं होगी वो प्रोबेबली विल प्ले मोर सेफ, वो कुछ और हो सकता है, और बहुत सी दूसरी पॉलिसीज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है उसको लेके उनका बदलाव होगा, और कुछ और मुद्दे हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा अपना इमिग्रेशन पॉलिसीज पे उन्होंने कुछ इंडिकेट किया कि वो रिवर्स करेंगे, तो इट्स नॉट अ विन-विन और लूज-लूज सिचुएशन। आज आंचल मल्होत्रा, स्मिता प्रकाश, आलोक मेहता और गौरव भाटिया चारों की राय से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं तारिक फतेह आज, मेरे ख्याल से ठीक कह रहा हूं ना तारिक फतेह साहब? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? मैं देखिए हिंदुस्तान में तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन मैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका में मोदी जी और हिंदुस्तान के लिए पिछले कई सालों से आई एम रिलेंटलेसली वर्किंग, और मुझे हमारी कमजोरियां और स्ट्रेंथ पता हैं, मुझे ये भी अंदाजा है कि लोग हमें क्या समझते हैं। लोगों का इमेज है कि इंडियन जो है वो सिर्फ धंधे की बात करता, कि ये कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, दैट हैज बिकम अ स्टीरियोटाइप कि हम कॉर्नर स्टोर लेके या CEO हों, हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि पैसा कहां से बनता है। This is not a positive view. अमेरिका में रहते हुए एक अमेरिकन इंडियन को ये ना पता हो कि मूवमेंट क्या थी गदर की, हमारी हिस्ट्री क्या है अमेरिका में, विवेकानंदा ने क्या कहा था, हमारा इम्पैक्ट क्या है, और मोदी जी का जो इम्पैक्ट था अमेरिका पे वो इंडियन सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट था। लेकिन अमेरिकन इंडियन की मैं आपको पर्सनल बात बताऊं, लेकिन वो इंपैक्ट कम थोड़ी ना हो जाएगा बाइडेन के आने से? बिल्कुल कम होगा, मैं बता रहा हूं कम हो जाएगा। बाइडेन इज सराउंडेड बाय पाकिस्तानीज, ये आप लोगों क्यों इतने सारे जहीन किस्म के मल्टी बिलियनर्स इंडियन बैठे हैं, उनको ये बेसिक समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन है, और वो शख्स जाके फिर भी नेक एंड नेक फाइट चल रही है अमेरिका में। अरे मैं आपको दूसरा डेंजर बता रहा हूं सर, नेक एंड नाइक तो वो तो अमेरिकन्स की हैं, ये तो इंडो अमेरिकन ने तो कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आए, हमें धंधा चाहिए। जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना से पैसे ले रहा हो, कमीशन के लीगल करप्शन के डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हो, उसका बेटा कमीशन ले रहा है, तो मैं इसको ऐसे समझता हूं, ऐसे सवाल पूछता हूं, आपको ये लगता है कि जो बाइडेन के आने से कट्टरवाद, आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ेगी? ठीक, बहुत कमजोर पड़ेगी। और आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते, इंडियन आपको आइडिया नहीं है क्या इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान ISI का इन Washington DC, 400 आदमी पाकिस्तानी तो हिल पे काम कर रहे हैं, बच्चे जो हैं सेकंड जनरेशन वो जहन में लेके आए हैं कि अमरीका के अंदर कैसे तबाही मचानी है, और हम चुपके बैठे हुए कि तेल पानी कितना महंगा होगा और सस्ता होगा। अरे कभी तो मरने के लिए तैयार हो ना, हम वहां दुश्मन सामने खड़ा है, गले काट, 9/11 हो गया,
लेकिन ये चीजें तो अमेरिका की जनता को भी पता है ना, वहां पर अब देखिए बाइडेन 238 है सर। सर पता होता तो ये पोस्टल बैलेट मानता कोई? वो तो ये पोस्टल बैलेट्स मेल इन और ये अर्ली वोटिंग 50% है, 10 करोड़ से ज्यादा है अगर मैं गलत नहीं हूँ, 24 करोड़ टोटल वोटर्स हैं उसमें से, बोलिए गौरव भाटिया, 10 करोड़ के आसपास तो हैं ये पोस्टल मेल इन और अर्ली वोटर्स, बोलिए गौरव भाटिया, आपके पास आऊंगा गौरव भाटिया पहले। ये अच्छा लगता है कि तारिक फतेह जी भारतीय नहीं है उसके बाद भी भारत की इतनी चिंता करते हैं और इनका सम्मान हम सब करते हैं, लेकिन तारिक जी ये भारत की जनता के लिए और भारत के लिए अर्ज किया है, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे, ये नया भारत है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ऐसी कोई छवि हमारी नहीं है कि तेल पानी और धंधा किया और आगे बढ़ गए। आज जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है स्टेबिलिटी का, डेमोक्रेसी जिसकी वाइब्रेंट है, तो वो भारत है। और 13 लाख वहां पे ऐसे मूल भारतीय हैं जो नागरिक है जिनका वोट है, तो चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, लेकिन इवन अमरीका की राजनीति भारत की अनदेखी करके नहीं हो सकती है। दूसरी बात, कोविड का वैक्सीन आने वाला है, हम सब जानते हैं रिसर्च डेवलपमेंट में यूएस आगे है, हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे मजबूत रिश्तों की वजह से भारत को भी ये लाभ मिले। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है उसमें अमरीका, रूस, फ्रांस, यूके सब हमारे साथ खड़े हों। और बिंदु कहाँ है, फलक्रम कहाँ है, फलक्रम आज नरेंद्र मोदी जी है, ये गर्व की बात है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, क्योंकि मैं अमेरिका में रहा भी हूं, मैं आपको बताऊं, वहां पे आप पिछले 3 राष्ट्रपति देखिए, पहले 8 साल रहे डेमोक्रेट्स, क्लिंटन, बिल क्लिंटन, फिर जॉर्ज बुश 8 साल वो थे रिपब्लिकन, फिर ओबामा 8 साल वो थे डेमोक्रेट, फिर आए रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए बदलाव वहां आता है, वहां पे इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। और एक इलेक्शन मतलब और याद है मुझे, आप ये कह रहे हैं कि मैं ये समझूं स्मिता जी कि मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट हो रहा है उस लिहाज से बिन मतलब इंडिया विन विन सिचुएशन में है, कोई भी जीते ना, बिना भारत के आगे बात बढ़ेगी नहीं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट हो रहा है अभी के लिहाज से, ठीक कह रहा हूं मैं स्मिता जी? बेवकूफी होगी ना अगर इंडिया को कोई भी इग्नोर करे या इंडिया के खिलाफ जाए तो बेवकूफी होगी उसकी, अगर कोई भी मुल्क है, कोई भी प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके अलावा 2 पॉइंट मैं लाना चाहती हूँ जो डिबेट में आए नहीं अभी तक हमारे बारे में। ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है हमेशा कहते हैं कि दे आर सो डिवाइडेड जात के ऊपर, समुदाय के ऊपर, इंडिया इज सच अ डिवाइडेड नेशन। आप कोई भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन उठा लीजिए, वहां पे ऑपेड कॉलम्स आपको बेतहाशा मिलेंगी अबाउट डिविजन, फिशर्स इन इंडिया। अब देखिए ना आप अमेरिका में क्या हुआ, जिस तरह वहां पर विभाजन हुआ है उनके वोट के ऊपर, पुरुष महिलाओं के बीच, ब्लैक वोटर्स, व्हाइट वोटर्स, शहरी वोटर अलग, ग्रामीण वोटर अलग, कॉलेज ग्रेजुएट्स और हाई स्कूल फेल उनके वोट बैंक्स हैं, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई से के मसले पर ट्रंप से नाराज है वो एक वोट बैंक है, जो अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप से खुश है वो एक वोट बैंक है, हेल्थ केयर को लेकर वो एक वोट बैंक है, इमिग्रेशन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर आपने खिचड़ी देख ली, तो वहां पर भी फिशर्स हैं। तो ये जो सारे मुल्क हम पर उंगली उठाते हैं ना, अब देखें अपने ऊपर, अपने बारे में सोचें, जो खिचड़ी इन्होंने पकाई है और जो अभी तक एक वोटिंग, मतलब 20 किस्म के टोमेटो केचप है वहां पर एक वोटिंग ठीक से नहीं कर सकते। अभी भी वो लोग देख रहे हैं कि वो जो निशान लगाए ना पोस्टल बैलेट्स के ऊपर वो स्कैनर पे नहीं आ रहे, क्योंकि जो निशान लगाए वो छोटे हैं, जो स्कैनर पे वो दिख नहीं रहे हैं, एक ईवीएम मशीन नहीं लगा सकते ये लोग। हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और हमने ईवीएम मशीन लगा ली, ये लोग इलेक्शन अभी तक नहीं सीख पाए। अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी हर इलेक्शन हार कर रोने धोने में लगी हुई है कि ये इलेक्टोरल सिस्टम जो है ये गलत है, इसको बदलना चाहिए, लेकिन बदल कोई नहीं रहा, रोते हमेशा सब है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। और आप मीडिया को भी देख लीजिए, हमारी मीडिया के ऊपर ये लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं, इनकी मीडिया को देखिए जरा, इनमें से किसी भी पोलस्टर ने किसी भी मीडिया पर बताया कि ये खिचड़ी आने वाली है?
पोलस्टर सारे गलत निकले, मीडिया सारी गलत निकली, तो इनकी मीडिया हमारी मीडिया पर अब उंगली नहीं। और कम से कम स्मिता जी एक चीज जो मैंने शुरुआत में कही, हमारे यहाँ चुनाव हारने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाता ना कि मैं चुनाव के नतीजे को ही नहीं मान रहा, ये भी सीख सकते हैं भारत से अमेरिका। वहां तो है, एक लाइन जोड़ लूं? हाँ जी जी बिल्कुल जी, जोड़ लीजिए जोड़ लीजिए, बोलिए ना सर। हाँ मैं कह रहा था स्मिता जी का मैं साथ देते हुए ये कहना चाहता था, देखिए बिहार बिहार में इलेक्शन हुआ, देखिए कहीं कोई गोलियां नहीं चली, कोई बंदूकें लेकर के नहीं दिखाई दिया, जो एक बड़े अरसे के बाद ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका में कई लोगों ने बंदूकें खरीद ली हैं, वहां सड़कों पे उतर आए हैं, कई जगह अभी से तैयारी हो गई है, व्हाइट हाउस को घेरना पड़ रहा है कि भाई सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। ये भारत के लोकतंत्र की निशानी है, हमारे यहाँ गरीब से लेके अमीर तक, बिहार से लेके मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट बंगाल, देखिए उसके बाद भी हमारे यहाँ सिस्टम लोकतंत्र का मजबूत हुआ है। और अमेरिका में इतने बड़े संपन्न देश में उनके पास वो नहीं है, साधन नहीं है। और दूसरा इस समय 1 करोड़ लोगों को, अमन जी 1 करोड़ लोगों को मैसेज गया कि तुम घर से मत निकलो, वोट मत डालो। आप बताइए, एक जमाना था हमारे यहाँ भी पश्चिम उत्तर प्रदेश बिहार में कहा जाता था घर से मत निकलो, आज ये है कि घर से गरीब आदमी, दलित, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सारे लोग, बुद्ध, जो भी जाति धर्म सिख है, सारे लोग जम करके वोट डालते हैं, 60%, 70%, कल कई जगह 80% वोट हुआ मध्य प्रदेश में भी। ये इस कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ कितना अच्छा इलेक्शन पहले हुआ है, अभी फिर से होगा, ये निशानी है ना। कम से कम डेमोक्रेसी पर लेक्चर देने से पहले अमेरिका को सोचना चाहिए, इंडिया को डेमोक्रेसी पर लेक्चर देने से पहले सोचना चाहिए। अब जल्दी से, टाइम बहुत कम है, एक-एक किसी ने कोई लेक्चर नहीं दिया। तारिक फतेह साहब, आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके जल्दी से मैं कमेंट ले देता हूं जो फिगर्स मेरे सामने हैं। सबसे पहले आचल मल्होत्रा, यही रहेगा या कुछ पलटेगा? जल्दी से 30 सेकंड में सर, कुछ पलटेगा, यही रहेगा आपका एक्सपीरियंस? आपका नहीं, बहुत नहीं, मैं इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक जो इलेक्टोरल सिस्टम है वहां पे पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप का है, तो इसलिए पॉपुलर वोट कहां जा रहा है। और अल्टीमेटली देखिए, प्रकाश आपका कमेंट, पलटेगा यही रहेगा, ट्रंप साहब कह रहे हैं पलटेगा यही रहेगा। स्मिता जी आपका कोई प्रेडिक्शन? देखिए जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक रूलिंग दी थी कि जो स्टेट लॉज है उनके हिसाब से चलना चाहिए, तो जब बंद हो गया, अब ये स्टेट लॉज जो है वो अपना लॉ इस्तेमाल करें, इसलिए 12 बजे वोटिंग बंद हो गई है। पलट सकता है, किसी तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट सिस्टम होता है इनका, इलेक्टोरल कॉलेज का, तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीता। तारिक फतेह, आखिरी कमेंट आपका, कई स्विंग स्टेट्स हैं अभी, लेकिन मुझे बस ये डाउट हो रहा है, अगर ये कोर्ट क्यों, फिर कोर्ट क्यों जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया कि भाई खेल खत्म, वरना सुप्रीम कोर्ट जीता हुआ क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं, चुनावी धांधली का आरोप लगा, जीता हुआ इश्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड हु द नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट विल बी, ये याद रखिए। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा बिल्कुल, क्यों बता दूं हम ये, अमन जी एक फैक्ट बता रहे, मतलब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार नहीं है सर, ये हम देखते आ रहे हैं, फ्लोरिडा के टैग्ड वोट्स और पता नहीं क्या क्या, कितने कितने महीने एल गोर का इलेक्शन। अच्छा, मुझे वाइंड अप करना था, लेकिन मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं जल्दी से। स्मिता जी आप जल्दी से कुछ काउंटर करना चाह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, तारीफ तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अमेरिका में? जी जी, ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, इट इज क्लियर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर कोई भी कैंडिडेट मेजॉरिटी नहीं जीता इलेक्टोरल वोट से, वोट जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाता है, और हाउस मेंबर्स जो है नया प्रेसिडेंट चुनते हैं फ्रॉम द टॉप 3 कैंडिडेट्स, सेनेट इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 2 कैंडिडेट्स, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। कल को जीत गए ट्रंप तब भी कहेंगे फ्रॉड था। गौरव भाटिया, कंक्लूडिंग कमेंट। नहीं नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे अगर गए तो कैसे रोकेंगे? गौरव भाटिया, ये अंत में इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र की जीत वहां पे भी होगी, चाहे जीत किसकी भी हो। और याद करिए, ऐसा भी हमने दौर देखा है, एल्गोर को पॉपुलर वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन बुश जो है वो इलेक्ट हुए थे, और फ्लोरिडा के ही वोट थे तब भी, और सुप्रीम कोर्ट तब भी चैलेंज हुआ था। ये सब प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में, इस पे हमें कोई नहीं, सर, प्रक्रिया नहीं हो, लेकिन आज तक ये तो कभी नहीं हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट तय करेगा किसी मुल्क का अगला राष्ट्रपति कौन होगा,
ये तो जैसा स्मिता प्रकाश ने बहुत चीजें बताई कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, लेकिन पुराने लोकतंत्र को बड़े लोकतंत्र से बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। हमारे यहाँ कम से कम ऐसा नहीं होता, लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो सरमाथे पर होते हैं और फिर अगली शपथ होती है। यहां तो कहा जा रहा है उसको दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और सुप्रीम कोर्ट से तय होगा अगला राष्ट्रपति कौन। एक चीज तय मानिए, जीते कोई भी सत्ता का जो हस्तांतरण है ना, ये स्मूथ नहीं होने जा रहा है। इस बार चीजें आसान नहीं होने जा रही हैं। वोटिंग आ गए हैं, हो चुकी है, नतीजे जो भी आएंगे आसानी से नहीं होगा ट्रंप बाइडेन या बाइडेन ट्रंप। सत्ता का हस्तांतरण बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज आगे भी लगातार जारी है जी न्यूज पर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।